हाय स्टूडेंट्स, तो आज मेडिकल सेगरेटेड कॉन्सेप्ट जो लेवल टू में हम लोग बात करेंगे. लेवल वन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और लेवल टू में एम्स, नीट और सीबीएसई पीएमटी के क्वेश्चंस. तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग के एक्सिस सेंटर से जाने वाले एक्सिस पे किसी डिस्टेंस पे और सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे जाते हैं. तो उसमें डेरिवेशन आपके सामने है जो है ट्रिपल में भी पूछा है इसको और सीबीएसई पीएमटी में भी पूछा है. और एक सॉलिड कंडक्टिंग का जब बात करते थे वो कंडक्टिंग सॉलिड रहता था सिलेंडर या होलो रहता था. तो सॉलिड या होलो में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्योंकि कंप्लीट चार्ज टोटल चार्ज रिसाइड एट द आउटर सर्फेस ऑफ द सिलेंडर या नॉन कंडक्टिंग के भी सरफेस पे. लेकिन नॉन कंडक्टिंग होलो रहता था तब सरफेस पे और सॉलिड रहता था तो पूरे जगह पे. तो यहां पे देखिए ये क्वेश्चन है लॉन्ग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है ना, तो वो कॉन्सेप्ट आएगा. और फिर हम लोग एक बात करेंगे कि जब चार्ज का लीकेज होगा है ना, चार्ज जब लीक करेगा स्फीयर से तो नीट का क्वेश्चन है वो. तो चला जाए, स्टार्ट करते हैं यहां से बच्चों. सबसे पहला क्वेश्चन जल्दी से पॉज करके लिखिए, पॉज करके और सब लिख लीजिए जल्दी से जल्दी. सब क्वेश्चन याद रखिएगा, जो ऑप्शन होगा वो टिक आउट करेंगे क्योंकि डेरिवेशन में लंबा जाएगा. जल्दी से लिख लीजिए. देखा जाए बच्चों, हम लोग बात करने जा रहे हैं कि पहले जब सेमी सर्कुलर सर्कुलर रिंग रहेगा तो उसके लिए हम लोग सेंटर बात करेंगे. देखा जाए मेडिकल में इंजीनियरिंग के रेस्पेक्ट में आईआईटी ट्रिपल के रेस्पेक्ट में इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन होते थे उसके रेस्पेक्ट में मेडिकल में फिजिक्स का क्वेश्चन इजी रहता था. तो इजी में ही टफ, इजी में इजी जो था उसको लेवल वन में हमने रख दिया मेडिकल के क्वेश्चंस को और उसी में टफ क्वेश्चंस को लेवल टू में हम लोग लिख रहे हैं उसको. तो पहला क्वेश्चन आप लोग तो लिख लिए होंगे, क्या मतलब है इसका. देखा जाए एक है रिंग है ना, सर्कुलर रिंग. तो सर्कुलर रिंग के सेंटर से जाने वाले एक्सिस पे पूछा है कि जबकि ये जो रिंग है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है. यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब समझ में आ रहा होगा, जिस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है एट ऑल पोजीशंस. चार्जेस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल पॉइंट्स ऑन अ रिंग. तो ये है रिंग रिंग ओके. तो यहां पर इसके सेंटर इसका रेडियस दिया हुआ है R ओके, और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे पूछा गया है कि सेंटर से जाने वाले एक्सिस पे सेंटर से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा. तो आपको देखा जाए यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि रिंग रिंग को अगर देखा जाए जैसे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स. बहुत सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो वह स्ट्रेट लाइन बन जाएगा. एंड अ प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस. अगर ऐसे ऐसे लाइंस मिला दिए जाए तो ये प्लेन बन जाएगा. मीन्स वन डायमेंशनल को अगर एक प्लेन में अरेंज करेंगे तो 2D और अगर उसी को 3D में अरेंज करेंगे तो मींस 1x y z तीनों डायमेंशन में अरेंज करेंगे तो 3D का फॉर्मेशन हो जाएगा. 3D ऑब्जेक्ट का मींस वॉल्यूम का बात करेंगे. अगर स्ट्रेट होगा तो लीनियर. और आपको हमने बताया था कि जब चार्ज कांस्टेंट रहे तो लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, स्मॉल एल लिखा है कैपिटल एल से दिक्कत नहीं है. तो लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू बाई एल, और अगर वेरी होता था तो लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल.
means charge per unit length of any charged object is known as linear charge density. Charge per unit area is known as surface charge density. Sigma equal to Q by A, sigma equal to dQ by dA. जब वेरिएशन का बात आता था तो हम इसका यूज करते थे, और जब कांस्टेंट का बात आता था इसका यूज करते थे, और यहां पे रो इक्वल टू हो जाएगा Q by V, मींस रो इक्वल टू dQ by dA. तो सोचिए बच्चों कि यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा भी पता होगा आपको, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर एंड कूलम पर मीटर क्यूब. ओके, तो इसी का यूज हम लोग करेंगे. आगे आएगा इसका यूज, तो देखा जाए अगर एक लाइन, ये अगर अगर ये रिंग को खोल दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, इट बिकम्स स्ट्रेट लाइन. ओके, तो देखा जाए अगर इस रिंग के एक छोटे से पार्ट का बात करें, इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज. हाँ, ध्यान दिया जाए, इस रिंग में से एक छोटा सा पार्ट हम लोग कट कर लेंगे. हाँ, तो छोटे से पार्ट पर चार्ज हम लोग कंसीडर कर लिए dQ. क्या बच्चों? dQ. समझिएगा, मतलब ऐसे है, ये एक्सिस है, ये रिंग है ऐसे, और इसके सेंटर से जाने वाला ये एक्सिस है, जिसपे पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है कि होता कितना है. तो देखा जाए सेंटर से कितना डिस्टेंस हो गया x, इस प्लस चार्ज के कारण, क्योंकि पॉजिटिव है तो माइनस होता तो बस उसकी ओर आता, माइनस की ओर टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एंड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस से दूर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो उस प्लस से दूर होगा, जिसका इंटेंसिटी हमने लिख लिया dE वेक्टर. ओके, और यहां पर देखिए एक मान करके, बहुत सारे बुक्स में एक एलिमेंट मान करके बना देते हैं, लेकिन बच्चों को कम समझ में आता है उससे. अगर दो एलिमेंट मान के बनाएंगे, जहां भी इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करते हैं, तो बच्चों को दो एलिमेंट लेकर के हम बताते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाए. ओके, तो देखा जाए dQ के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड dE हुआ, तो ऐसा ही एलिमेंट हम यहां भी मान लेते हैं जिस पर चार्ज dQ है, तो प्लस से दूर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो देखा जाए बच्चों dE वेक्टर, तो यहां पर अगर हम इसको थीटा कंसीडर कर लेंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और यहां पर भी अगर थीटा कंसीडर किया जाए तो ये भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट. लेकिन ये दोनों थीटा क्यों होगा? होगा ना सर, यहां पे r है, ये भी रेडियस r है, यहां पे x कॉमन है, ये जितना होगा उतना ही ये होगा. अगर दोनों सेम है, ये रेडियस r है, तो ये स्मॉल r हम कंसीडर कर लेते हैं दोस्तों, तो ये जो r होगा स्मॉल o क्या हो जाएगा, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, r स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. आ गया, तो क्या हो जाएगा, r का वैल्यू यहां से निकल गया, r इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. ओके, तो यहां से आपको पता है, सिंपल सी बात है, पाइथागोरस हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा, होगा एकदम होगा. अब देखिए सर, हमको ये जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर बात किया जाए तो प्लस से अवे होता है और माइनस के टुवर्ड्स होता है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज एंड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस से दूर, तो क्या हो जाएगा, यहां पी पॉइंट मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज डी क्यू
इज, मैग्नीट्यूड कर देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज डी क्यू इज, क्या हो जाएगा? तो डीई इक्वल टू हो जाएगा डी का मॉड के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। देखा जाए, चार्ज और डिस्टेंस चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमको चार्ज चाहिए और उस चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए। तो डी क्यू तो K इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर का बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ये निकला, इसका मैग्नीट्यूड हुआ K इंटू क्यू, क्यू मतलब डी क्यू बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए बच्चों, अच्छा ये जो रिंग है उसके हर एक पार्ट से जो ये पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस फिक्स होगा। देखिए, अगर इस एलिमेंट से डिस्टेंस आर, इससे आर, अगर यहां पे बाहर में जो रहता पॉइंट उससे भी आर, अंदर में जो रहता उससे भी आर, इधर रहता उससे भी आर, यानी हर एक पॉइंट जो इस रिंग पे होंगे उससे इसका डिस्टेंस हमेशा एक्स होगा, आर होगा हमेशा। ध्यान दीजिएगा, सेंटर, तो सेंटर से डिस्टेंस एक्स पे है, तो यहां एलिमेंट जो भी ले, जो भी एलिमेंट ले, ये रिंग है ये रिंग, तो उसके हर एक पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? आर होगा। तो सेंटर से डिस्टेंस एक्स है यहां पे, तो क्या हो जाएगा? के क्यू बाई के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया। अब देखा जाए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो कंपोनेंट, देखिए तो इसका एक इधर कंपोनेंट होगा, याद है बहुत बार रिपीट किए हैं कि इसका अगर जिधर एंगल है उस साइड चलेंगे तो कॉस, यानी डी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अच्छा, क्यों हम लोगों ने डी डी लिया? क्योंकि दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस भी कांस्टेंट है और चार्ज भी वही है, डिस्टेंस वही है फिक्स, दोनों के लिए सेम, ये भी चार्ज सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम। तो क्या हो जाएगा? इसका कंपोनेंट इधर डी कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर डी साइन थीटा, वारे वाह, और इसका कॉम्पोनेंट इधर जो होगा डी कॉस थीटा और नीचे जो होगा वो हो जाएगा डी साइन थीटा। अरे वाह, अब सोचिए बच्चों, फिर से सिंपल सोचिए, तुरंत क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की बात और रटने की बात नहीं है। ये रिंग है, ओके, तो रिंग के छोटे छोटे एलिमेंट्स जो जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज है, वैसा एक हम चार्ज मान लिए जो डी क्यू है, तो उससे डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई माना क्योंकि प्लस से दूर, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो उसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू, क्यू मीन्स डी क्यू बाई आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा बच्चों? तो के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इसका और इसका वैल्यू सेम इसलिए होगा क्योंकि यहां पर चार्ज डी क्यू है, यहां डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस आर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इक्वल, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितने यहां से निकलेंगे उसका मैग्नीट्यूड जो होगा यानी इंटेंसिटी जो होगा वो फिक्स होगा, सेम होगा। तो बताइए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर डी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, डी वेक्टर का मोड मतलब डी, ओके, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, डी इसका कंपोनेंट भी डी कॉस थीटा और इसका कंपोनेंट था डी साइन थीटा। अब बताइए सर, ये और ये मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल टू इच अदर, यानी रिंग के कारण उसके वर्टिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, जितने सारे एलिमेंट ले आप इस पे, फिर दो यहां पे ले लीजिए, उसके कारण भी वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल कर देगा, हॉरिजॉन्टल बच जाएगा, यानी जितने सारे कंपोनेंट आप लेंगे उसका दो दो लिखे हम इसलिए चल रहे हैं बाबू कि आपको समझ में आए अच्छे से। तो बताइए कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज सम ऑफ बोथ ऑफ देम, तो यहां से डी इक्वल टू आ चुका है के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट
एट पॉइंट पी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बच्चों क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू डी डैश कंसीडर कर लेते हैं, तो डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा, ओके डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा, अरे यार डी साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा कितना डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा डी डैश टू डी कॉस थीटा, तो डी डैश टू डी के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर और कॉस थीटा, देखिए बच्चों कॉस थीटा यहां से ये थीटा है तो कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनियस एक्स बाय आर, बोलो कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनियस क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा एक्स बाय आर, यानी आ जाएगा कितना डी डैश इक्वल टू टू के एक्स बाय आर क्यू इंटू डी क्यू। अब देखिए सर यहां पे सोचना है थोड़ा सा हम लोग को कि अब हैरी कर रहा है तो जितना ही चार्ज बढ़ता जाएगा क्योंकि इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस एक्स है वो भी फिक्स ले चुके हैं और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी फिक्स है यानी के तो पहले से फिक्स है यानी एक्स और आर कॉन्स्टेंट हो गया, वेरी कौन करेगा जितना ही एलिमेंट बढ़ाएंगे उतना ही चार्ज बढ़ता जाएगा, यानी कहने का मतलब कि हमने दो एलिमेंट कंसीडर कर लिया है, अब इंटीग्रेशन से काम बन जाएगा डी डैश इक्वल टू टू के एक्स जो कॉन्स्टेंट उसको इंटीग्रेशन से बाहर और डी क्यू। देखिए सर लोग एक ही एलिमेंट मान करके बना देते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो दो एलिमेंट मान करके अगर हम बनाएंगे तो देखा जाए, सोचना इसमें थोड़ा सा। आप देखिए सर यहां पे एक रिंग हम मान लिए, इसमें अगर एक ही भाई रहता तो उसका पूरा का पूरा हक रहता उस जमीन पे, एग्जांपल समझने के लिए जो भी फील्ड है ना, जो भी एरिया है अगर एक ही भाई का है ना, अगर वो अकेला ही है तो उसका पूरा का पूरा है, यानी अकेला है तो इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के टू पाई आर यानी सर्कमफेरेंस, अगर लेंथ रहता तो जीरो से टू पाई आर, और अगर चार्ज है तो जीरो से क्यू यानी टोटल चार्ज इज क्यू, रिंग पे टोटल चार्ज कितना है क्यू है कैपिटल क्यू, लेकिन अगर हम यहां पर कंसिडर कर लिए हैं दो एलिमेंट यानी दो भाई, तो दो भाई अगर आ चुका है बच्चों तो दोनों भाई का हाफ हाफ हो जाएगा है ना, यानी यहां पे q बाई टू एक का यहां से यहां तक और एक का यहां से यहां तक, सोचो क्लियर। तो अगर ये कहेगा कि मेरा यहां से यहां तक है और ये भी कहेगा मेरा यहां से यहां तक है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो से ई तक, ओके और चार्ज जीरो से क्यू बाई टू तक, समझिएगा ध्यान से, ये कह रहा है कि मेरा यहां से स्टार्ट होता है यहां तक और वो कह रहा है कि मेरा स्टार्ट होता है यहां से यहां तक यानी जीरो से ही तक इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन चार्ज कंप्लीट चार्ज इज क्यू बट हाफ चार्ज इज क्यू बाई टू, ये चीज समझ जाएंगे बस इंटीग्रेशन आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से यहां तक पॉज करके लिखिए, जल्दी जल्दी मिटा दे, समझ में आ गया होगा, नो टेंशन। इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इसका कंपोनेंट कॉस और इधर साइन, इसका कंपोनेंट इधर कॉस इधर साइन, साइन साइन वाला कैंसिल कर दिया डी साइन थीटा डी साइन थीटा और रिजल्टेंट आ गया टू डी कॉस थीटा, लेकिन हम लोग लिमिट लेंगे सोच करके, ओके पूरा पर चार्ज है क्यू अगर अकेला रहता एलिमेंट दो, और अगर दो एलिमेंट लिए हैं यानी दो भाई का हाफ हाफ पार्ट, ओके तो ऐसे समझेंगे हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाएगा। जल्दी से पॉज करके लिख लिए होंगे, ठीक है तो देखा जाए अब वहां से इंटीग्रेशन डी डैश का हो जाएगा ई डैश जीरो से ई तक और
2kx/r³ और dq का इंटीग्रेशन q 0 से लेके q by 2 तक। दो एलिमेंट हमने माना है, दो भाई, तो हाफ ऑफ यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2kx/r³ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी आ गया e इक्वल टू 2kx/r³ इंटू क्यू बाई टू यानी आ गया k इंटू qx/r³। चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये यहां लिखने का और स्टाइल है, e इक्वल टू k इंटू qx/√। याद कीजिए r को हमने लिखा था पीछे, जस्ट अभी मिटाया है वो, उसमें r को लिखे थे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ओके, और यहां पे कितना पावर 3, तो कितना जाएगा बच्चों e इक्वल टू k इंटू qx/√ मीन्स पावर 1/2 यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। रूट मतलब पावर 1/2 यानी 3/2, ये भी लिख सकते हैं, या k का वैल्यू पुट कर देंगे k इक्वल टू 1/4πε₀। कुछ मीडियम ना कहे, वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर का बात किया जाए तो k का वैल्यू इतना, विच इज 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर्स पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों कि आ गया, अरे यार इसका कैसे आता है यूनिट, देखो ना यार, f इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, k का ऐसे आंसर है, तो इस तरह से आ गया इक्वल टू के इंटू क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम निकालना रहेगा, इसमें और भी कंडीशन आता है, क्वेश्चन यही तो कह रहा है, अगर मैक्सिमा का बात करता कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम कहां होगा, उसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, बस डिफ्रेंसिएशन करके 0, और मैक्सिमम कितना होगा तो जो वैल्यू आता है एक्स का उसको वहां पे पुट कर देंगे आ जाएगा आंसर। सोचो यानी यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया k इंटू क्यू एक्स, इस क्वेश्चन में इतना ही कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें इक्वल टू k इंटू क्यू एक्स बाय, नहीं तो अगर कह देता कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा तो बस q कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, तो e का x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे u बाय v के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, है ना, v से मल्टीप्लाई u का डिफरेंशियल माइनस u से मल्टीप्लाई v का डिफरेंशियल बाय v स्क्वायर, और वहां से सोल्व करने के बाद आ जाएगा x का वैल्यू, और x का वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा e का वैल्यू, आप कर सकते हैं आराम से। ओके, तो यहां तक ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसका यही हो गया आंसर। जल्दी से जल्दी पॉज करके लिखिए, जल्दी फास्ट, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कंप्लीट रिंग हम नहीं लेंगे, कंप्लीट रिंग हम ना लेकर के अगर हम लोग ले लेंगे हाफ यानी सेमी सर्कुलर रिंग, अगला क्वेश्चन था सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन लिखा हुआ था बोर्ड पे, स्टार्टिंग में आपने पॉज करके लिख लिया है, तो अगला क्वेश्चन है कि सेमी सर्कुलर रिंग, किस सेंटर पे आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। ओके, अगर हम लोग बात करें बच्चों तो सेमी सर्कुलर रिंग जो है उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुज लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, क्यों लैम्डा सोचिए, क्योंकि ये वन डायमेंशनल है, रिंग ऐसे फोल्ड कर दिया गया, उसको स्ट्रेट करेंगे तो सीधा हो जाएगा, समझ आ रहा है, अरे यार ये जो अगर इसको अगर एक फोल्ड ऐसे कर दिया गया उसको स्ट्रेट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, यानी वन डायमेंशनल यानी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। इसमें दो क्वेश्चन पूछा था, एक पूछा था मेडिकल में और एक IIIE में, IIIE में क्या पूछा था वो भी हम लास्ट में क्लियर कर देंगे। तो देखा जाए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इस पॉइंट पे कि सेमी सर्कुलर रिंग के कारण यहां पर
What's the electric field intensity at the center of the semicircular ring due to it? तो क्या हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चंस को बाबू हम लोग एलिमेंट बना के लेकर के बनाते हैं, एलिमेंट कंसीडर करते हैं. ऐसा क्वेश्चन दिखाई दिया, एलिमेंट मान लो, है ना. तो देखा जाए, देखा जाए, यहां इस रिंग में अगर इस लाइन को देखें तो इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्री है. इस लाइन के अबाउट ये जो है दिखाई दे रहा है आपको, वो सिमेट्री है. तो यहां पर हम दो एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, एक इधर. तो इस एलिमेंट के कारण, छोटा सा एलिमेंट, वही फिर से पॉइंट चार्ज, ये एंगल और भी छोटा होगा. डी थीटा इज मच स्मॉलर. जो छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिस पर चार्ज डी क्यू होगा और रेडियस आर हमने माना है, रेडियस इज आर, सब जगह आर होगा रेडियस. तो ये जो आप देख रहे हैं एलिमेंट छोटा सा डी क्यू, तो उस डी क्यू को हमने पॉइंट चार्ज कंसीडर किया. तो उस पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा वो इधर होगा. और वैसा ही एक एलिमेंट जस्ट सिमेट्री है, तो जस्ट उतने ही उसी स्टाइल में हम लोग एक और एलिमेंट कंसीडर कर लिए छोटा सा. एंड द एंगल सबटेंडेड बाय दैट एलिमेंट एट इट्स सेंटर इज डी थीटा. तो हम लोग थीटा एंगल पे एक डी थीटा एंगल वाला एलिमेंट ले लिए. ये एंगल कितना है? डी थीटा. यहां पे बना देते हैं साइड में फिगर. इस पे चार्ज डी क्यू है, लेंथ डीएल है, चार्ज डी क्यू है, सेंटर ओ है, रेडियस आर है, एंड दिस एंगल इज डी थीटा. समझिएगा बच्चों, उसको हम काट के अलग कर लिए, सेपरेट कर दिए उसको समझने के लिए. बच्चों समझिएगा, अगर हम लोग बात करें बच्चों इस एलिमेंट का, तो इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसको हमने डी मान लिया. जस्ट वैसा ही पीछे हमने, इसीलिए दोनों क्वेश्चन को हमने एक जगह रखा कि आपको जल्दी से समझ में आए और कॉन्सेप्ट एकदम कंप्लीटली क्लियर हो जाए. इस छोटे से पॉइंट चार्ज को, यानी जब लाइन है तो लाइन में से छोटे छोटे पार्ट को हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, जल्दी बताइए. दैट्स अ पॉइंट चार्ज. ओके, तो क्या हो जाएगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके कारण यहां पे चार्ज फिर से डी क्यू, लेंथ डीएल, तो उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे उतना ही होगा. अच्छा, यहां पर भी फिर से वही थीटा, जितना एंगल उधर सिमेट्री है, जस्ट एकदम मिरर इमेज लगेगा आपको कि इसका तो इधर आर है तो इधर आर ही लिख देते हैं, लगेगा कि वाह सच में मिरर इमेज है. यहां मिरर, जस्ट मिरर इमेज. ओके, तो यहां से आ गया ऐसे. तो जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात करेंगे बच्चों, तो जब दो का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो रिजल्टेंट इज द एंगल बाइसेक्टर. रिजल्टेंट पासेस थ्रू द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. मींस इसका इंटेंसिटी इधर और इसका भी इधर. ओके, तो क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये थीटा तो ये भी थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो ये थीटा बहुत सारे बुक्स में बनाए जाते हैं, इस क्वेश्चन को ऊपर में थीटा मान के बना देता है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आंसर आएगा मेरे भाई. यहां पे थीटा मान के बनाओ या यहां थीटा मान के बनाओ, वहां पे किसी में कॉस का इंटीग्रेशन आता है साइन के रूप में, किसी में साइन का इंटीग्रेशन कॉस के रूप में, बट एट द लास्ट स्टेज आंसर बिकम सेम. तो यहां से अगर थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया. ओके, अब देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आल्सो बी इक्वल. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, दिख रहा होगा. ये थीटा, ये पूरा 90, तो फिर से ये 90 डिग्री माइनस थीटा, और एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है, ऐड कर लीजिए माइनस थीटा प्लस थीटा कट जाएगा, 90 180 हो जाएगा. अब देखा जाए बच्चों, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने बोला है कि जिधर थीटा रहता है
उस साइड हम लोग कंपोनेंट लेते हैं तो कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन होता है, तो इसका कंपोनेंट कॉस थीटा साइड जाएगा तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा क्या, डीई कॉस थीटा। इसका कंपोनेंट थीटा साइड जाएगा तो डीई कॉस थीटा, और इधर आएगा तो डीई साइन थीटा। और एक और ट्रिक है कि जिधर मुड़ते हैं उधर कॉस लेते हैं, तो डी कॉस ऑफ थीटा, जिधर मुड़ते हैं उधर वाला थीटा ले लेते हैं, जिधर मुड़ते हैं उधर वाला थीटा लेते हैं कॉस के, लेकिन कॉस के साथ ही कॉस 90 माइनस थीटा, यानी आ गया डी साइन थीटा। ओके, जिधर मुड़ो उधर कॉस ले लो, ये ट्रिक है, जिधर मुड़ो उधर कॉस ले लो, नहीं तो डेरिवेशन से पता ही है, ये थीटा, ये ए, ये एक्स, ये वाई, कॉस थीटा बेस वाई हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा ए साइन थीटा, नो टेंशन। यानी जिधर एंगल मुड़ेंगे उधर कॉस और ऊपर में परपेंडिकुलर में साइन। अब देखा जाए तो इधर मुड़े एंगल साइड थीटा के साइड तो डी कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर तो डी साइन थीटा, इसका पीछे में लेंगे कॉम्पोनेंट तो डी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर तो डी साइन थीटा। तो बताइए सर, फिर से वैसा ही सिचुएशन आया, डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा एक दूसरे को नेग्लिफाई कर दी। ओके, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो बताइए सर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी सेमी सर्कुलर रिंग पे अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर से दूर जाता है। और ऐसा ही क्वेश्चन ट्रिपल ई में कैसे फिगर बना के दिया था अभी बतलाते हैं। तो देखा जाए बच्चों, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ, यहां सेंटर को हमने क्या मान लिया, ओ, है ना, सेंटर पे क्या मान लिए, ओ, तो क्या हो जाएगा, एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू डी डैश, फिर से वैसा ही डी डैश इक्वल टू, दोनों सेम डायरेक्शन है, ये दोनों कैंसिल कर दिया एक दूसरे को। अरे भाई, जितने फील्ड लाइंस आगे जाएंगे उतने ही फील्ड लाइंस पीछे जाएंगे, है ना। आप देखते थे राम भगवान इधर से तीर छोड़े और रावण भी उधर से तीर छोड़े, अभी रामायण चल भी रहा है ना, तो क्या देखते थे कि राम का अगर तीर गायब हो जाता था राम भगवान का तो, और रावण का भी उधर से तीर गायब होता था तो, है ना, यानी क्या हुआ, दोनों का एक दूसरे के कैंसिल कर दिए, लेकिन रिजल्टेंट डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा। ओके, अब तो आप आराम से डी निकाल सकते हैं, इसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रुक जाइए यहां पे लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ ड्यू टू डी क्यू इज, तो डी का मॉड हो जाएगा के इंटू डी क्यू, के इंटू डी क्यू बाई, ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कितना, तो डी क्यू के कारण इस पॉइंट पे, तो ये हो गया पॉइंट चार्ज के साथ बिहेव किया, तो के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी ऐसा, तो डी आ चुका है के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, क्या जाएगा डी डैश इक्वल टू, ये फिर यहां से चलेंगे, मतलब यहां से ऐसे चल करके फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, तो डी डैश इक्वल टू आ गया टू डी साइन थीटा। ओके, तो अब देखिए बच्चों, तो टू डी मतलब के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और साइन थीटा
ध्यान दीजिएगा, छोड़ दीजिए अभी साइन थीटा को, क्योंकि यहाँ साइन थीटा इक्वल टू दिक्कत होगा आपको कैलकुलेशन करने में, फिर से लेना लेके चलना पड़ेगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, उससे अच्छा है कॉन्सेप्ट अभी आपको बता रहे हैं। साइन थीटा को ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम लोग फंक्शन ही ला देते हैं थीटा के फॉर्म में, वहां पे फंक्शन लाए थे चार्ज के फॉर्म में और यहाँ पे थीटा के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा बच्चों देखा जाए, क्यों क्यों ऐसा हमारे दिमाग में क्यों आया, तो अभी समझा रहे हैं क्यों आया। देखिए लैम्डा इक्वल टू अगर वैरी करता है तो डीक्यू बाई डीएल, लेंथ है तो डीक्यू बाई डीएल, देखा जाए छोटा सा एलिमेंट डीएल, तो यहां से लिख सकते हैं डीक्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डीएल, और आपको याद होगा थीटा इक्वल टू एल बाई आर, यानी डी थीटा इक्वल टू डीएल बाई आर, तो डीएल इक्वल टू आर डी थीटा। वाह कहां से कहां पहुंच गए, ये कहां गए हम यू ही साथ साथ चल के, है ना। तो यहां से लैम्डा इक्वल टू आ गया डीक्यू बाई डीएल, क्योंकि हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू डीक्यू बाई डीएल, तो डीक्यू इक्वल टू आ गया लैम्डा इंटू डीएल। ओके तो यहां पे आ जाएगा बच्चों लैम्डा इंटू डीएल, और डीएल का वैल्यू यहां से थीटा इक्वल टू एल बाई आर, जानते हैं सब लोग, तो डी थीटा इक्वल टू डीएल बाई आर, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट स्मॉल एंगल है, तो यहां से डीएल इक्वल टू आ गया आर डी थीटा, यानी लैम्डा आर डी थीटा। वाह लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, रेडियस इज कांस्टेंट, तो डीक्यू का वैल्यू वहां पुट करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 2k साइन थीटा बाय आर स्क्वायर इनटू डीक्यू, तो 2k साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और डीक्यू को लिख सकते हैं लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा, आर से एक आर कैंसिल, तो 2k लैम्डा बाय आर और साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके तो यहां से आ गया 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा डी थीटा, ये आ गया डी डैश, अरे वाह 2k लैम्डा बाय आर कांस्टेंट है मेरे दोस्तों, k इज कांस्टेंट, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पॉइंट लेंथ इज कांस्टेंट एंड आर इज आल्सो कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग, तो साइन थीटा, अब देखिए एलिमेंट बढ़ाते जाएंगे तो थीटा बदलते जाएगा। अब आप बताइए सर फिर से वही बात कि अगर ये पूरा है एक भाई का तो आधा हो जाएगा, अगर दो भाई आ गए तो आधा ना हो जाएगा, अगर ऐसे एक भाई है तो जीरो से पाई, क्योंकि ये एंगल पूरा बनाएगा कितना, जीरो से पाई, थीटा का बात करें तो यहां से जीरो से स्टार्ट होगा और थीटा यहां से बढ़ते बढ़ते पाई हो जाएगा, लेकिन अगर दो हम लोग एलिमेंट कंसीडर कर लिए हैं तो 180 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितना कितना होगा, यानी कि एक एलिमेंट के लिए जीरो से 90 और दूसरे एलिमेंट के लिए भी 0 से 90, और हम लोग दो दो एलिमेंट ले चुके हैं तो दो एलिमेंट ले चुके हैं तो एक के लिए कितना 0 से 90, फिर समझिए हम लोग दो एलिमेंट ले चुके हैं, वहां पे क्या किए थे अब है ना, चार्ज लिए थे तो दो एलिमेंट लिए थे तो q/2 q/2, यहां पर दो एलिमेंट हम लोग ले चुके हैं तो हम दोनों के लिए एंगल लेके चलेंगे कि एक के लिए, क्योंकि दो एलिमेंट हम लोग कंसिडर कर चुके हैं तो 0 से कहां तक 90 डिग्री तक, 0 से कहां तक 90 डिग्री तक, यानी कि एक दो एलिमेंट कंसीडर कर चुके हैं तो एक का हक है यहां से यहां तक, एक का हक है यहां से यहां तक, तो दो एलिमेंट हम पहले ही ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं तो 0 से लेके कहां तक 90, चाहे आप इसके लिए लीजिए चाहे इसके लिए लीजिए, क्योंकि दो टू टाइम्स क्यों आया है, टू टाइम्स क्यों आया है दोनों के लिए, टू टाइम्स क्यों आया है दोनों के लिए, तो हम लोग एंगल जो लेंगे वो दोनों में से किसी एक के लिए, भाई तुम्हारा कितना है भाई तो मेरा इतना है, तुम्हारा तो मेरा इतना, यानी कि एंगल कहां से कहां तक, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से ही तक और एंगल 0 से 90 डिग्री तक, पाई बाय टू 90 डिग्री, यानी ये कहा कि मेरा 0 से 90 तक है, ये भी कहा मेरा 0 से 90 तक है, हम दोनों लेके चल चुके हैं पहले से ही तो 0 से 90 तक इंटीग्रेशन, तो डी डैश का इंटीग्रेशन ई डैश, और 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉस थीटा 0 से पाई बाय 2,
साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा। तो कहां से कहां तक, जीरो से ई तक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और जीरो से पाई बाई टू तक एंगल हो गया। तो जल्दी से इसको पॉज करके लिखिए, तुरंत आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी। अब ये मत सोचिएगा सर इतना बनाने में टाइम लग रहा है, तो सर हम लोगों को तो टाइम कम मिलता है क्वेश्चन में, तो सर सब क्वेश्चन ऐसे नहीं रहते हैं, आप आराम से पूरा बना लेंगे क्वेश्चन, हर एक का टाइप मैंने आपको बता दिया है। और ये मत सोचिए ऐसे क्वेश्चंस रेयर केस में होते हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस जो जल्दी बन जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं। लेकिन इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा, आपको समझा रहे हैं तब ना इतना टाइम लग रहा है सर, नहीं तो आप तुरंत एलिमेंट लेंगे जल्दी से सोल्व करेंगे और आंसर आ गया सर, एक मिनट के अंदर ये बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। बहुत सारे तो डायरेक्ट फॉर्मूला का बात कर देते हैं, रटवा देते हैं कि भाई याद कर लो लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन इनटू आर। लेकिन सर आया कैसे ये भी जान लीजिए, हम भी कहेंगे लास्ट में कि याद कर लो, लेकिन आया कैसे ये भी दिमाग में रखो यार। तो जल्दी से पॉज करके लिखिए, देखा जाए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इंटीग्रेशन करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, 2k लैम्डा बाई आर माइनस बाहर कर देते हैं, तो अपर लिमिट कॉस 90 माइनस कॉस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है बच्चों, तो कॉस अपर लिमिट माइनस कॉस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा इक्वल टू माइनस 2k लैम्डा बाई आर कॉस 90 जीरो कॉस 01, यानी इक्वल टू आ गया माइनस माइनस प्लस 2 के लैम्डा बाई आर, ऐसा कुछ याद होगा आपको एक्सप्रेशन। ये एक लीनियर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के कारण, रड के कारण आया था इलेक्ट्रिक, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे एक्सप्रेशन दिया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऑप्शन में, K मतलब 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, तो 2 टाइम्स इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। और यही जो ऑप्शन था आप टिक आउट कर लीजिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन में, और यही हो गया आपका आंसर। ओके, अब देखिए बच्चों जल्दी से पास करके लिख लीजिए जल्दी से, इसी में ट्रिपल का क्वेश्चन कैसे दिया था वो भी दिखलाते हैं जल्दी। देखा जाए इक्वल टू लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर आ गया, और इसको ऐसे दिया था चार्ज के फॉर्म में दिया था, और ऐसे दिया था ये आंसर क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन भी चार था, और ऑप्शन क्या था बतला रहे, ये था एक्स एक्सिस ये वाई, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग, रिंग नहीं कंप्लीट रिंग नहीं, तो यहां पे चार्ज के फॉर्म में दिया था आंसर, चार्ज के फॉर्म में। तो अगर चार्ज के फॉर्म में बात करें सर, तो आप ही बताइए लैम्डा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, क्यू बाई एल, क्यू स्मॉल लिया था तो स्मॉल हम भी ले लेते हैं, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इन टू एल। अच्छा लैम्डा का वैल्यू यहीं से डायरेक्ट पुट कर देंगे। अच्छा बताइए ये सेमी सर्कुलर रिंग है, और अगर रेडियस उसका आर है, उसमें दिया था ए रेडियस, हम लोग आर मान लेते दोस्तों, तो जरा सा बताइए कि यहां से अगर हम बात करें लैम्डा का, तो लैम्डा इक्वल टू आ गया क्यू बाई एल। ओके, तो आ जाएगा यहां से कितना, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, क्यू एल इसका एल जो हुआ वो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस हुआ, सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना, तो पाई इंटू आर, यानी यहां से वेल्यू पुट कर देंगे इक्वल टू आ जाएगा कितना, लैम्डा, लैम्डा की जगह रख देंगे क्यू बाई पाई आर और इनटू टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी आ गया इक्वल टू क्यू बाई टू पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, तो क्यू बाई टू पाई स्क्वायर एप्सिलॉन आर स्क्वायर, यही था आंसर में दिया हुआ, लेकिन वेक्टर फॉर्म में दिया था नीचे की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आया था अभी देखे थे आप, तो वाई एक्सिस के निगेटिव में,
यानी यहाँ पे माइनस जे कैप हो जाएगा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो। कुछ नहीं है सर, बस लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल होता है, एल मतलब कि पाई आर, काम खत्म। जैसे ही पाई आर हमने वैल्यू रखा तो लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई पाई आर यानी इक्वल टू क्यू बाई पाई आर इंटू, बस यही वैल्यू रख दिए, लैम्डा की जगह क्यू बाई पाई आर रख दिए, सोल्व किया गया क्यू बाई टू पाई स्क्वायर एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर माइनस एक। और तुरंत अगले वीडियो में इसको लाते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन दो ठो। तब तक के लिए बाय बाय।